सो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं मनाली के अंदर और मनाली में हमें मिल चुका है रात में होटल। काफी लेट मिला है और जैसे कि ये रही मेरे पीछे, ये देखो ये रही अपनी पूरी अलमीरा, एक एक करके पूरा खुल जा सिम। देखो ये रही अपनी अलमीरा और ये रहा अपना सुलभ। बहुत बढ़िया, बहुत ही फैंसी सा रूम है ये, देखो क्या बढ़िया स्पेशियस है। और इस रूम की जो है डिटेल वगैरह भी मैं डाल दूंगा। ये देखो बहुत बढ़िया होटल है। और अब कल जो है सुबह जाएंगे हम अपना आगे का व्लॉग शूट करने के लिए। तो जी घर से निकल के कुछ दूर चल के अब अपने होटल से बाहर निकल के आ गए हैं। ये रहा अपना रास्ता, जा रहे हैं हम अपने घर से बाहर निकल के होटल में से। तो जी निकल गए अपने घर से बाहर, अपने होटल से बाहर, और निकल चुके हैं अपनी हंटर के ऊपर। वो घड़ी अपनी हंटर, इससे जा रहे हैं कहाँ, वो देखो वो बर्फ की पहाड़ियां दिख रही है ना सारी। तो इसका मतलब समझ गया होगा, हम जा रहे हैं सोलांग वैली। रोहतांग पास तो बंद है लेकिन हम जाएंगे सोलांग वैली। अब जल्दी से चलो चलते हैं और वहां पे जाकर के देखते हैं कि क्या एक्टिविटी हो रही है क्या नहीं हो रही। ठीक है, देखो भाई ये बकरा बकरा ईद के लिए जानवर खड़े हैं मनाली में। अभी से ईद भी नहीं आई, शवरात भी नहीं आई, लेकिन कुर्बानी के जानवर आ गए मनाली के अंदर। काफी खुश हैं ये बकरा ईद को लेकर के। और ये देखो सस्ती बर्फ, ये देखो ये पड़ी हुई, ये पड़ी हुई इससे ज्यादा बर्फ तो हम दिल्ली वाले चाप के फेंक दें। सही कह रहा है, ये बर्फ है हमारे फ्रिज के अंदर घुट जाएंगे तो इससे ज्यादा बर्फ मिल जाएगी। ये देखो बर्फ का बोसा ले लो, ऐसा लग रहा है ओले पड़े हैं। ये देखो ऐसा लग रहा है इन्होंने खुद नहीं डाली है यहाँ पर, अभी थोड़ा और ऊपर जाएंगे रोहतांग पास पहुँचने वाला है। रोहतांग कह रहा हूँ सॉरी, सोलांग वैली पहुँचने वाला है। सोलांग वैली पहुंच जाएगी, फिर देखते हैं अटल टनल या रोहतांग पास को बंद है और फिर अभी वापस जाकर जिप लाइन भी करनी है, इसलिए अभी सीधा ऊपर जा रहे हैं, फिर जिप लाइन करेंगे वापस नहीं चाहते। तो भाइयों व्लॉग के अंदर बात ऐसी है कि हमारा सोलांग वैली तो पार हो चुका है और पीछे की तरफ बहुत दूर में देखो दिख रहा होगा वो वहां बर्फ है। सोलांग में कहीं भी बर्फ नहीं है, नीचे हल्की फुल्की सी। ये मनाली वालों ने सारों ने मिलकर के बर्फ घिसी, ये सारे के सारे मिलके चूतिया बना रहे हैं। ये देखो हम सोलांग से भी ऊपर आ गए, यहाँ पे भी बर्फ नहीं है। अटल टनल आने वाला है, मुझे उम्मीद है नहीं, ऊपर बर्फ कहीं दिख नहीं रही, थोड़ी सी यहाँ पे घिस रखी है मनाली वालों ने बर्फ। स्नो स्प्रे चलाया है, बर्फ नहीं है, ये स्नो स्प्रे चला रखा है इन्होंने, मुझे नहीं लग रहा यहाँ बर्फ है कहीं भी। तो जी सोलांग हो गया पार, नहीं मिली कहीं पे बर्फ। अब हम जा रहे हैं बॉक्सर, ये देखो थोड़ी बहुत कहीं कहीं बर्फ दिख रही है लेकिन बर्फ के नाम पे मजाक हुआ हुआ है। वो उतनी दूर बर्फ है लेकिन वहां तक जाने देंगे नहीं। हमें बताया ये मैगी वाले अंकल ने कि बॉक्सर में बर्फ है। अब ऊपर जाते हैं, ऊपर जाकर के देखते हैं कितनी बर्फ मिलती है, या हमारे पास हमारे साथ में जैसे नीचे ये मजाक हुआ वैसे ही ऊपर भी वही मजाक होता है।
तो जी बहुत घर से निकल गया, बहुत दूर चल गए, आ गए हम कहाँ पे, ये रहा, और वो रही पीछे अटल टनल, उसे पार कर लिया। यहाँ पे मिली हमें नकली सी बर्फ, काली पड़ी हुई है सारी, जहाँ बर्फ है वहां तक जाने नहीं देंगे मुझे। मैं तो सोचा हूँ ये रास्ता पकड़ के सीधा लद्दाख ही निकल जाऊं, क्या कहते हो, निकले? हाँ, खर्चा उठा लिया हमारा बस। चलो ये तो खर्चे के लिए रोते रहते हैं, गरीब बेचारे। सो हेलो, हमारा मनाली का डे टू चल रहा है और यहाँ पर होती है देखो अमूमन इस तरीके की बर्फ, ठीक है, लेकिन हमारी किस्मत इतनी खराब कि हमें मिल रहा है ये पूरा सूखा पड़ा हुआ है बर्फ के नाम पर। ये है सोलांग में भी कोई बर्फ नहीं, इससे ऊपर गए वहां कहीं बर्फ नहीं, पीछे कहीं बर्फ नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। आना मत बिल्कुल भी इस टाइम पर, क्योंकि मनाली में आना वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम दोनों होगा। हमारा तो वेस्ट हो गया, हम नहीं चाहते तुम्हारा भी वेस्ट हो। तो जी हमें नीचे तो कहीं कुछ मिला नहीं, अब हम जा रहे हैं ऊपर सोलांग में, क्योंकि इकलौती एक्टिविटी यहाँ पर कहाँ गई, कोई भी नहीं दिख रहा। अभी हम करेंगे अपनी वीडियो डाल देंगे, पैराग्लाइडिंग बची है वही करने जा रहे हैं। हाँ देखो एक और चिड़िया तैयार हो रही है, यही करने जा रहे हैं, ट्रैकिंग सी हो गई अपनी तो, करते हैं फिर वीडियो उसकी भी बना करके डालते हैं। हाँ तो जी अपना पैराग्लाइडिंग करने के लिए पूरा तैयार, ये रहा अपना गोप्रो, ये रहा पूरा हेलमेट लगा रखा है, पैराशूट भी लगा रखा है, बाकी हेलमेट काम तो करेगा नहीं अगर उल्टा सीधा गिरे। यहाँ से नीचे जाना है, अभी थोड़ी हवा का कुछ दिक्कत है इसलिए उतर नहीं रहे, जैसे सही होगा नीचे उतरेंगे और फिर आगे की देखते हैं वीडियो। तो जी पूरा हो गए थे रेडी, लेकिन हवा के चक्कर में हमारी कैंसिल हो गई पैराग्लाइडिंग, सबके उतर गए पैराशूट, और अब हम जाएंगे नीचे। अगर नसीब में होते हैं घोड़े, नहीं होते कुछ भी, लेकिन शायद हमें बर्फ मिल जाए, ऊपर से थोड़े बादल से आ रहे हैं, शायद यहाँ पे स्नोफॉल मिल जाए, हल्का सा फ्लेक्स आया था, अब देखते हैं आता है नहीं आता।